देश की सबसे पुरानी पार्टी 137 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, आज नया अध्यक्ष मिलेगा। बड़ी खबर यह है कि मधुसूदन मिस्त्री से शिकायत की गई है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की यह खबर है, वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, शशि थरूर ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त जारी है न्यूज 18 इंडिया पर, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है। और आज ये ऐतिहासिक कांग्रेस के लिए इस लिहाज से है क्योंकि 24 साल बाद गांधी परिवार से इतर ये अध्यक्ष मिलेगा। नीरज मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है। नीरज, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि शशि थरूर के बयान के हम हालिया दिनों में देखे, ऐसे बयान वो देते रहे हैं, अब वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है उनकी तरफ से। नीरज, आप तक आवाज पहुंच रही है, नीरज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो शशि थरूर ने आरोप लगाए हैं, मधुसूदन मिस्त्री से शिकायत की है, और क्या क्या बातें उनकी तरफ से कही गई हैं? लगता है नीरज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, क्योंकि शशि थरूर और इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में मुकाबला है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी इसलिए मजबूत मानी जा रही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इसके अलावा गांधी परिवार का हाथ उनके पास है, लेकिन कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि कार्यकर्ताओं को इस बार